हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एंटीना, जो कार के जो एफएम होता है उसके एफएम एएम के जो रिसेप्शन होता है उसे काफ़ी बढ़िया जो कर देता है हमारा जो ये एंटीना होता है। तो जो गाड़ी के अच्छे जो जो गाड़ी के टॉप मॉडल होते हैं और अच्छी कंपनी के मॉडल होते हैं, उन गाड़ियों में इस तरीके का ही इलेक्ट्रॉनिक एंटीना आता है, जिसकी वजह से उनका रिसेप्शन काफ़ी बढ़िया होता है। तो काफ़ी गाड़ी में आपने सुना होगा उनका गाड़ी का जो एफएम का रिसेप्शन होता है काफ़ी बढ़िया होता है, तो वो एंटीना यही होता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करी जाती है। तो ये जो एंटीना है वो आफ्टर मार्केट एंटीना है, एक कंपनी का एंटीना नहीं है, बट टेक्नोलॉजी वही है। हैवी इलेक्ट्रॉनिक इसमें होता नहीं है, छोटे मोटे इसमें पार्ट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी वजह से हमारा एफएम का रिसेप्शन काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो ये एक आफ्टर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक एंटीना है, जो मैंने लोकल मार्केट से 350 रुपये में ख़रीदा है। तो अमेज़ोन में भी आपको ये मिल जाएगा, बट आपको वहाँ प्राइसिंग ज़्यादा मिलेगी। तो मुझे ये लोकल मार्केट में 350 रुपये का मिल गया है। तो जहाँ पर हमारी गाड़ी का मॉडिफिकेशन का सामान मिलता है, जहाँ से हम अपनी गाड़ी के लिए आफ्टर मार्केट सामान खरीदते हैं, तो उन दुकानों में ये इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंटीना मैंने ऑफलाइन ख़रीदा है। तो पीछे से किस तरह पीछे इसमें दिया गया है, किस तरीके से इसे इंस्टॉल करना है, तो विंडशील्ड में अंदर की तरफ से इंस्टॉल करने का इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो मैं भी उसे उसी तरीके से इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर किस तरीके का हमारा एंटीना आता है। तो ये हमारा एंटीना, तो काफ़ी लंबी वायर दी गई है इसमें, ये हमारा मेन एंटीना इलेक्ट्रॉनिक एंटीना। तो बीच में एक रेड कलर की एलईडी दी गई है, और ये हमारा एंटीना का वायर, और एक वायर इधर दिया गया है, और एक बाकी वायर इसकी काफ़ी लंबी है। तो एक हमारा ये नॉब दिया गया है, तो एक हमारा एक कपलर है जो हमारे कार के म्यूज़िक प्लेयर में पीछे की तरफ से लगेगा, ये हमारा म्यूज़िक प्लेयर के जो कार में पीछे की तरफ से लगेगा। तो ये हमारा मेन एंटीना का वायर होता है, और ये हमारा ग्राउंड होता है, और इसमें एक एक्स्ट्रा वायर दी गई है। आपने जो एंटीना नॉर्मल एंटीना देखा होगा, उस एंटीना में सिर्फ एक वायर ये होती है, और एक वायर सिर्फ यहाँ होती है ग्राउंड, और एक ये होती है बस। इसमें एक क्या है आपका, एक रेड वायर अलग से दी गई है, तो ये इसे इलेक्ट्रॉनिक एंटीना बनाती है। तो इसके अंदर से ये वायर ब्लैक इसके अंदर से पूरी कंप्लीट जाके इसके अंदर आई है, और इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है जो हमारे एफएम के सिग्नल को या रिसेप्शन को काफ़ी बढ़िया कर देता है। तो ये हमारी रेड वायर, तो इसे हम आप किस तरीके से इसकी वायरिंग करनी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये जो हमारा म्यूजिक प्लेयर में है, तो हमारे म्यूजिक प्लेयर में जो पीछे से होल होता है एफएम एंटीना के लिए, तो उस जगह पे डायरेक्ट हम इसे फिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये जो हमारा ग्राउंड वायर है वो ग्राउंड इस जगह से हमारा ले लेगा, तो ग्राउंड ये हो गया हमारा। तो वायर चाहिए होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारा इस जगह से ले लेगा, तो बचा हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वायर हमने कहाँ लगाना है, तो आपके जो भी म्यूजिक प्लेयर आपका होगा उसमें एक वायर होती है, आपने ध्यान दिया होगा मेरी पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा वायरिंग जो मैंने बताई थी। तो ये वायर हमारा लगेगा रिमोट वायर में, रिमोट वायर वही वायर होती है जो हमारे बेस ट्यूब को लगाने के लिए, जब हम एक्स्ट्रा वायर हमारे अपने म्यूजिक प्लेयर से लेते हैं, रिमोट वायर बोलते हैं उसे, तो वो रिमोट वायर में जो हमारे म्यूजिक प्लेयर के पीछे से आती है उसमें हम इसे लगाएंगे। तो ध्यान रहे आपको और कहीं से इसे कनेक्ट नहीं करना है, कार की बॉडी से इधर उधर कहीं से आपको कनेक्ट नहीं करना है, जो कार के म्यूजिक प्लेयर के पीछे एक वायर होती है रिमोट वायर, उस रिमोट वायर से हमने इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से हमारे कार इसमें एंटीना में पावर आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक वायर और इधर दी गई है, तो ये वायर कैसी है, तो ये वायर भी आपकी नेगेटिव है, वही नेगेटिव सेम नेगेटिव है जो नेगेटिव इस जगह पे है, तो ये आपके सिग्नल को काफ़ी बढ़िया कर देगा। तो आपने क्या करना है, जिस जगह पे भी हम अपने म्यूजिक प्लेयर में इस एंटीना को फिट करेंगे, तो उस फिट करने जहाँ पर फिट करेंगे उसके आसपास कहीं पर भी अगर कोई मेटल का पार्ट है हमारी गाड़ी की जो बॉडी है उसका मेटल है, तो उस मेटल मेटल के पार्ट में हम इसे स्क्रू के मदद से या किसी मेटल के मदद से हम इसे वहाँ पर को टाइट करके गाड़ी से ग्राउंड कर देंगे, तो जिसकी वजह से हमारा इस एफएम का सिग्नल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये भी हमारा नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। बाई चांस अगर आपको अपने कार के म्यूजिक प्लेयर में आपको जहाँ एंटीना इंस्टॉल कर रहे हो उस जगह पे अगर आपको नहीं मिल रहा है अपने इस ग्राउंड वाले वायर को फिट करने का जगह नहीं मिल रही है, या आप होल नहीं करना चाहते अपनी गाड़ी में, तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर लगा देंगे तो काफ़ी थोड़ा अच्छा, आपको इस रिसेप्शन काफ़ी अच्छा मिलेगा, बट नहीं भी लगाएंगे तो रिसेप्शन आपको ठीक मिलेगा। तो
किन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए इसमें हम, तो अगर जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ अगर आपका FM का रिसेप्शन अच्छा नहीं आता, आपकी गाड़ी में अगर आपको अच्छा रिसेप्शन नहीं मिल पाता वायर वाले एंटीने से, जो हमारा नॉर्मल एंटीना हम यूज़ करते हैं अपनी कार में, उस एंटीने से नहीं मिलता, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके इस एंटीने से। तो मैंने इसे यूज़ कराया तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वजह से। तो हमारे वहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ रिसेप्शन का नॉर्मल एंटीने से भी आता था, बट उसमें थोड़ी सी हमिंग नॉइस आती थी, तो इसको लगाने के बाद वो हमिंग नॉइस बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है, और काफ़ी जो अदर चैनल हैं जो FM के चैनल हैं वो भी इसमें काफ़ी इजीली आ जा रहे हैं। तो यह था एक छोटा सा रिव्यू इस FM के एंटीने के बारे में। तो बाकी आपको आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसे हम अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाएंगे, तो ये पीछे हमें एक डबल टेप दिया गया है, तो इसे हम अपनी विंडशील्ड में अंदर की तरफ से लगाएंगे। तो इस वीडियो में यही कुछ था, तो इस वीडियो में यही कुछ, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसे हमें कार में किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको प्रॉपर इसको अपनी कार में किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से वायर करनी है, वायरिंग करनी है, ये करके बताऊंगा आपको। तो बने रहिए चैनल के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।